फ्रेंड्स, मैं विता। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मेकिंग हाउस इनटू ए होम। आज हम आटे का हलवा बनाने जा रहे हैं। जैसे कि घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए और हमें भूख लगी है, तो ये 5 मिनट में तैयार हो जाता है। और इसके लिए जो हमें सामग्री चाहिए, यह है आटा, चीनी और देसी घी, या फिर आप डालडा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये मैं सिर्फ एक हेल्दी आपको हलवा बनाने सिखा रही हूँ। और ये मैंने इसी चम्मच से, मैंने ये 4 चम्मच तो ये आटा लिया है ऐसे भर के, और 4 ही चम्मच चीनी है और 4 ही चम्मच घी है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना हलवा बनाना। गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे, सिंपल कढ़ाई है ये, मैं घरेलू बना रही हूँ। ये कोई ज़्यादा मैं दिखावा नहीं कर रही हूँ कि हम नॉन स्टिक वेयर कढ़ाई लेंगे या कुछ। जैसे घर में हमारे पास जो कुछ भी अवेलेबल है उसी को हम लेंगे और उसी से हम अपना हलवा तैयार करेंगे। हम कढ़ाई में देसी घी डालेंगे और इसको मेल्ट करेंगे। ये घर का ही बना हुआ देसी घी है। मैं जब मक्खन निकालती हूँ या घी निकालती हूँ घर पे, तो ये अलग से मैंने रख लिया था। हमारा घी अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें आटा डालेंगे। गैस को सिम करेंगे थोड़ा। घी और डाल लेंगे थोड़ा सा इसमें, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा घी कम है इसमें। एक से दो मिनट में, 2 मिनट में हमारा ये जो आटा है भुनकर अच्छी तरह लाल हो जाएगा। इसको थोड़ा हम सिंपल ही भूनेंगे, क्योंकि अगर तेज आंच पर हम इसको भूनेंगे तो ये आटा जलने का डर होता है, इसलिए इसको थोड़ा सिंपल ही भूनें। ये बिल्कुल लाल हो चुका है। अब इसमें चीनी डाल देंगे हम और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे थोड़ी देर के लिए। और अंदाजन पानी डालना जितना, हमारा हलवा देखो बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखो साइड से इसने अपनी जगह छोड़ दी है घी की वजह से, बिल्कुल तैयार है ये हलवा हमारा।
बिल्कुल रेडी हो चुका खाने के लिए। अब इसको हम सर्व करेंगे। ये देखो बिल्कुल भी कढ़ाई से चिपक नहीं रहा है, ये देखो। और अब चाहे तो आप इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, परंतु मैं सिर्फ घरेलू जो हम घर पे फट से बना के खा सकें वह आपको हलवा बनाना सिखा रही हूँ, इसलिए आप चाहे तो कुछ भी डाल के खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। और ये यही प्रसाद जो हमारा गुरुद्वारों में चढ़ाया जाता है, तो ये इसकी रेसिपी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हलवे को टेस्ट करके बताएं कि ये कैसा बनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।